Every preacher was just teaching us because of soul winning. और हर एक प्रचारक जो वहाँ पर प्रचार कर रहे थे वो बस ये प्रचार कर रहे थे कि आत्माओं को जीतो. It's very important. और ये बहुत जरूरी है. Hallelujah. Hallelujah. And let's read our Bible. हम अपनी बाइबल खोलेंगे. Book of Acts. प्रेरितों के काम 20:20. How I kept back nothing that helpful, nothing that was helpful, but proclaimed it to you and taught you publicly and from house to house. और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने घर घर सिखाने से कभी ना हिचका. Amen. Hallelujah. So whatever we God given us, so we don't have to be shy about it, and we don't have to be this is not time for resting in the home. This is not the time to be see the weather. Is it hot or is it cold? You have to be do the work what God given you. और ये समय है परमेश्वर के वचन का प्रचार करने का, क्योंकि ये नहीं कि आप ये सोचे ठंड है गर्मी है और आप बैठ जाए, ऐसा ना सोचे, क्योंकि ये परमेश्वर के कार्य का करने का समय है. वो हमें दूसरों तक सिखाने की जरूरत है. And it's not easy in this country, but it's not easy anywhere. और इस भारत देश में ये आसान नहीं है, लेकिन ये हर जगह पर कहीं भी अगर हम देखें तो आसान नहीं है. But we have to do what God is saying to us. लेकिन हमें करना चाहिए जो हमें परमेश्वर ने बोला. If we are not doing hard work, we are always in comfort zone. We cannot do the work of God. अगर हम हमें आराम की जगह पर हमेशा बैठे रहेंगे तो हम परमेश्वर के कार्य को नहीं कर पाएंगे. Hallelujah. Hallelujah. So before we do the work of God, we have to be see our own life. Our own life also have to be a good example. और हमें परमेश्वर के कार्य को करने से पहले हमें अपने जीवन को भी देखना है, क्योंकि हम एक अच्छा उदाहरण है कि नहीं लोगों के सामने, वो भी जरूरी है. Hallelujah. Because you have to be make you first your own life like you are a very good disciple of the Jesus Christ. Amen. और आपको पहले सबसे पहले अपने आप को बनाना पड़ेगा, आपको एक अच्छे चेली बनना पड़ेगा मसीह के. And like so, if people you cannot see, because you know some people they not listening what you are saying, but they are just watching your life. कई लोग ऐसा है कि जो परमेश्वर का वचन कह रहा है बस उसको तो सुनते नहीं है, लेकिन बल्कि आपके पास जीवन को देखते रहते कि आपका जीवन कैसा है. Hallelujah. Because what you are saying, people are not listening, but who you are, people are just observing. Amen. So you have to make yourself a strong believer, strong the child of God. So people can see your life and they can change their life. और इसीलिए हमें अपने जीवन को बदलने की जरूरत है, और हमें अपने आप को बहुत ही सामर्थ्य बनाने की जरूरत है ताकि लोग हमारे जीवन को देख सके और हमारे जीवन को देखकर बदल सके. हालेलुया. हालेलुया. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये बहुत जरूरी है. वी व्हेन वी आर नॉट सेविंग अवर ओन सोल्स, हाउ कैन वी सेव अदर्स पीपल्स सोल. और अगर हम अपनी ही आत्मा नहीं बचा पा रहे हैं तो हम दूसरे की आत्मा क्या बचाएंगे. सो दिस इज नॉट अ जोक. द वर्ड ऑफ गॉड इज, द वर्क ऑफ गॉड इज ऑल्सो नॉट अ जोक. और परमेश्वर का कार्य कोई मजाक नहीं है. हालेलुया. हालेलुया.